बिग बॉस के छठे हफ्ते में जहां कवल जीत वाइल्ड कार्ड लेकर एंट्री किए, वहीं हमारे और आपके सुपर कॉप बिग बॉस के घर को अलविदा करते नजर आए हैं। अमन, बाहर निकल के कैसा फील कर रहे हो? फीलिंग लाइक लाइट? एब्सोल्युटली, मतलब आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह की फीलिंग होती है कि आप किसी जेल से जब निकलते हैं। हम तो 6 हफ्ते के बाद ही निकल आए हैं, बट एक कमाल की फीलिंग होती है वो। आप एक तो सांस ले सकते हैं, तो वो एक सांस लेना ही वहाँ पे एक तरह से दुश्वार था। बट हाँ, मतलब स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेन काफ़ी रहता है, आपकी मेंटली फिजिकली हर तरह का स्ट्रेन रहता है। बट ऑफकोर्स एक शो है और शो का एक ये एक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट में आपको बाकी सब लोगों के साथ जीना है। सो आई वॉज देयर फॉर 6 वीक्स, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। ये भी देखा है कि आजकल कई शोज ऐसे हैं जहाँ पे मतलब आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कितने अच्छे हैं या आप कितनी इज्जत से बात करते हैं, वो शायद मायने नहीं रखता है, और बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अच्छा अमन, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम व्यूअर्स को भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप अपने वो एज गैप की चीज़ें, आप मतलब कुछ ऐसा था या फिर कुछ? डेफिनेटली आई थिंक उन सब के बीच में उम्र में मैं सबसे ज़्यादा था, एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा था, तो मुझे अक्सर ये समझ नहीं आता था कि मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन करूं तो क्या करूं, क्योंकि आई थिंक मेरे बाद जो अगले सदस्य जो सबसे करीब उम्र में मेरे से कम 10 साल का डिफरेंस था। तो अब वो 10 साल का डिफरेंस वहाँ कॉन्वर्सेशन में आता है, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका, मेरी पर्सनैलिटी, किस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। ऑफकोर्स शुरुआत में जो पहले हफ्ते मुझे तो है ऑनेस्टली ऐसे लगने लगा था कि मैं PTC चैनल के लिए कोई शो कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाबी में बातें, पंजाबी में गाने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ और हो ही नहीं रहा था। एंड पहले एक दो हफ्ते मैं बोर हो गया, क्योंकि समझ में नहीं आया कि कॉन्वर्सेशन करूँ तो किससे करूँ। सिर्फ कीथ उस समय थे, लेकिन कीथ का भी क्या है कि उनका भी कंडक्ट और जो रवैया है काफ़ी कुछ मुझसे मिलता है, तो हमारी जो बेसिक बातें होती थी नॉर्मल बातें होती थी, और क्योंकि हम दोनों एक तरह से सोचते थे इसलिए काफ़ी समय हमने एक साथ बिताया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था अमन कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा झगड़ना या फिर ज़्यादा कन्वर्सेशन इसलिए नहीं कर रहे थे बिकॉज आप अपना रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, अगर झगड़े की बात है, अगर सही मुद्दा सामने आता, मेरे लिए खाने को लेके कभी मुद्दा नहीं हुआ है, क्योंकि फमी मैं खाने को लेके कोई इतनी बड़ी बात आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं की है। उसके अलावा आई सपोज़ पहला मुद्दा मेरे और सुयश के बीच में हुआ था, जहाँ पे उसने बोला था कि किश्वर जो हैं वो मना नहीं कर पाती हैं। अगर किश्वर ने ये बात मुझे पहले बोल दी होती सामने से, मैं उस बात को समझ लेता, लेकिन अब वो आप सबके सामने वो बात कह रहे हैं, अगर आप अलग से बोलते तो मैं अलग से कहता। एंड बाकी सारी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, जो लड़ाई झगड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ज़रूरत क्या है। आप आराम से, या तो समझ में आता है कि वाकई में टास्क के बीच में किसी ने बहुत बड़ा उल्टा काम कर दिया या नहीं किया या अपना काम नहीं किया, तो बात समझ में आती है क्योंकि आप टास्क कर रहे हैं। बट बाकी सारी चीज़ें, खाने में ये क्या है, किसी ने सफाई नहीं की, किसी ने वो नहीं किया, आई थिंक वो सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर वहाँ बैठेंगे तो कोई भी करने को तैयार हो जाएगा। इस बार के टास्क में रिमी के वजह से पूरा 0 आप लोगों को मिला था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऑनेस्टली मैं रिमी के साथ हूँ, क्योंकि रिमी पहले दिन से ये बोलती आई है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैं शो पे आ गई हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, और पहले दिन से वो ये बोल रही हैं। तो जब वो बोल रही हैं, अब वो क्या है कि उसका मजाक बन गया है, और मजाक बन गया है तो अब उस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, और मे बी शायद अब एक जैसे कहते हैं ना, किसी का आप स्पेक्टिकल बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस को गालियाँ दी, उन्होंने इसको गालियाँ दी, उसको गालियाँ दी, तो अब शायद एक अभी एक सब मिलके उन्हें एक लेसन सिखाना चाहते हैं कि अब देखो भाई हम आपके साथ क्या करते हैं। अब रिमी की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं होने वाली, ये बहुत ही क्लियर है, और वो पहले दिन से जब वो बोल रही है भाई मुझे निकाल दो, मुझे जाना है, मुझसे गलती हो गई, मैं शो के बारे में जानती नहीं थी, किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, कहा कि खाना आता है, सब कुछ आता है, ये आता है, वो आता है, और फिर सोने को टाइम पे मिलता है, अब ये यहाँ आके मुझे समझ में आया। फिर उसने ये भी बोला 3 साल से लोग बार बार मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब 4th साल में मैंने हाँ कहा, ऐसा ऑफ़र लेके आया कि मैं मना नहीं कर पाई, तो अब उससे ज़्यादा ऑनेस्ट वो क्या बोल सकती है।
लेकिन कहीं ना कहीं सलमान ने उनकी कल मतलब इस बार जब मिले थे सलमान तो रिमी को कहीं ना कहीं उनकी क्लास लगाई थी कि किसी को थप्पड़ मार दो या तब ऐसे करके निकल जाओ, उनके पास बहुत सारे रीजन है घर से निकलने। लेकिन रिमी ने ये भी बात क्लियर की थी कि मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कोई चीज़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप मुझे निकालते हो अभी, मैं अभी जाने को तैयार हूँ। शी इज़ वेरी क्लियर। अब क्योंकि वो 4 या 5 हफ्ते गुजर गए हैं, आई थिंक उनका जो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और वो फिर भी वहीं हैं, अब उनके दिमाग में वो उनको नोट नज़र आ रहे हैं, अब वो बोल रही हैं कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो रहा है, तो उससे ज़्यादा ऑनेस्ट वो क्या हो सकती है। वो बोल रही है कि एक हफ्ता और मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, अब और बढ़ गया, अब और बढ़ गया। तो जब वो इतना ऑनेस्ट हो रही है और वो बोल रही है कि मुझे जाना है, पता नहीं किस, और वो शुरू में ही ये बोलती थी कि जिस वो आदमी जिसने मुझे फ़ोन किया था अगर वो मुझे मिल जाए मैं उसको वहीं उसका कत्ल कर दूँगी, तो आई सपोज ऐसे इंसान, बट आई सपोज बिग बॉस में इस तरह का कैरेक्टर कभी आया नहीं था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम रिमी अगर बिग बॉस में जानी जाएंगी इस बेवकूफ़ी के लिए जानी जाएंगी या अपनी अकलमंदी के लिए। अच्छा अमन, बाहर सबको ऐसा दिख रहा था कि आपका रोशेल का, मन्नाना का और ऋषभ का एक अलग ग्रुप था, लेकिन आप हमेशा डिनाई करते नजर आए, लेकिन बाहर हम लोगों को वैसा दिख रहा था, तो वो क्या था? बहुत ही सिंपल सी बात थी कि हम डेफिनेटली, मैं, मंदना और रोशेल एक बहुत ही फेयर माइंड से खेल को खेल रहे थे और जो सही है उसे सही कह रहे थे, जो गलत है वो गलत है। ऋषभ बीच में आके तीनों में से किसकी बात उसको पसंद आ गई तो वो हाँ में हाँ मिला देते थे और वो कहते थे कि अच्छा ठीक है मैं आपके ग्रुप में हूँ। बाकी अगर आप किश्वर, सुयश और प्रिंस के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली किश्वर वहाँ पर जो करती थी उसका रिएक्शन बाकी दोनों आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके वो सब कुछ करते थे, ऐसा हमें लगता था। अब मालूम नहीं कि बाहर से कैसे दिखता है, बट मंदना का अपना एक अलग दिमाग है, स्ट्रेट सोचती हैं। रोशेल सोचती सीधा है लेकिन बोलती बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा बोलती हैं कि मतलब थोड़ी देर में इरिटेशन मुझे भी हो जाती थी कि ये कब बोलना बंद करेंगे। सुन लिया हमने, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, बट ऑफकोर्स जो फेयर है वो फेयर है और जो सही है वो सही है, उस बात को कहने में कभी हिचकिचाता नहीं हूँ। और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि एक चीज़ को मैं 10 बार बोलूँगा, मैं एक बार बोलूँगा एंड आई फील दैट इज़ सफिशिएंट, वरना बार बार बोलते रहेंगे उसका उसका मकसद क्या है। ऋषभ के साथ टॉवेल के क्या सिचुएशन हुआ था आपका, वो आप बता। ऑनेस्टली वो पहले दिन से बोल रहा था कि जिसका टॉवेल मुझे मिलता है मैं पहन लेता हूँ, तो एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान जब आप किसी ऐसे घर में गए हैं जहाँ पे आप सब एक ही टॉयलेट में, एक ही बाथरूम में नहाते हैं, तो एक बेसिक जो क्लिनलीनेस का एक पाठ पढ़ाया जाता है कि आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो आप अपना एक टॉवल जब आपको दिया गया है आप उसे इस्तेमाल करें, लेकिन वो जानबूझ के जो टॉवल मिला इस्तेमाल कर दिया। मैंने गौर तब तक नहीं किया था, मुझे लग रहा था मजाक कर रहा है, लेकिन एक दिन वो मेरा टॉवल पहन के आ गया, तो जब वो मेरा टॉवल पहन के आ गया है और मैं उसे बोल रहा हूँ, मैंने तब भी नहीं रिएक्ट किया था, लेकिन जब वो मैंने बोला कि टॉवल तुरंत चेंज करो, वो फिर नहीं, मैं अपने पहले कपड़े उठाता हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा सटकी थी, मैं उससे ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई सपोज वो उसी चीज़ को लेके आया हुआ था कि मुझे सबको थोड़ा बहुत उंगली करनी है, और उसने किया, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया, बट आई सपोज मे बी यही शो का फॉर्मेट है कि आपको आके उंगली करो, देखते हैं 1 या 2 या 3 या अंगूठा कर दो। अमन, सिंस जितने भी एविक्टेड कंटेस्टेंट आपसे पहले जिन्होंने घर छोड़ा उन सबका एक ही चीज़ कहना था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अमन वर्मा है और वही बिग बॉस जीतेंगे, तो अब अमन वर्मा हमारे सामने खड़े हैं, तो आपके हिसाब से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है? नन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं। रोशेल की एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आई है कीत के जाने के बाद, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा करेंगी। मंदना फ़िलहाल फिज़िकली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो वो काफ़ी लोग इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। किश्वर अगेन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत सारी नेगेटिविटी अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो अगर मैं पैसे अपने लगाऊंगा तो रोशेल, मंदना और किश्वर पर, ज़्यादा पैसे लगाऊंगा मंदना और रोशेल पर। सिंस दीपिका बिग बॉस बनी थी, अगर अमन को एक दिन का बिग बॉस बनाया जाए और उन्हें अगर दिया जाए कि किसको आप घर से निकाल सकते हैं, तो आप किसको निकालोगे इस समय? हाँ। इस समय अगर मुझे मौका दिया जाए तो डेफिनेटली गेम एग्जैक्टली फेयर करने के लिए, ताकि सबकी पर्सनालिटीज बाहर निकल के आएँ, तो आई थिंक किश्वर, उसे निकालूंगा ताकि असली में पता लगे कि सुयश और प्रिंस सोचते क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। सुयश नॉट स्ट्रॉन्ग एट ऑल, क्योंकि वो किश्वर के बलबूते पे ही बहुत आगे है, बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है सुयश सिर्फ रोते हुए और चलते हुए नजर आए हैं
किशोर पूरे घर में, एंड प्रिंस डेफिनेटली वो आपे से बाहर हो जाते हैं हर टास्क में, लेकिन वो काफ़ी कुछ बेवकूफ़ियाँ भी कर जाते हैं. एंड सो आई सपोज वो दोनों असलियत में क्या है, अगर ये जानना है तो आई थिंक किशोर को वहाँ से हटना होगा. ओके, जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहेंगे? वेल, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड आप लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, और मैं यही चाहूँगा कि अब इस शो के बाद भी एक थोड़ा बहुत अपने आप को बदलने की कोशिश की है मैंने. जो आपने देखा है वही मेरी पर्सनालिटी है, उसी तरह से मैं हर बार हर दिन बिहेव करता हूँ, एक बैकग्राउंड है मेरा. सो प्लीज़ कीप लविंग मी एंड आई प्रॉमिस कि और बहुत सारा एंटरटेनमेंट लेकर अलग अलग रूप में मैं आप लोगों के सामने आऊँगा. थैंक यू अमन एंड ऑल द बेस्ट. कैमरा पर्सन फैजान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला.